हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप आज पढ़ने के लिए तैयार हैं? हम पिछली वीडियो से क्या पढ़ रहे हैं? पादप हार्मोन्स के बारे में हम बच्चों पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा था? एक्जिन नाम का हार्मोन हमने पढ़ा था, जो कि क्या है, एक पादप हार्मोन है, जो क्या होता है, पौधे के सबसे ऊपरी सतह पर बनता है और वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड हार्मोन पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, पादप हार्मोन ही है। और हार्मोन कितने किस प्रकार के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक वृद्धि होता है प्रवर्धक और एक होता है वृद्धि निरोधक। वृद्धि प्रवर्धक क्या करता है बच्चों? विकास की क्रिया को बढ़ाने का काम। लेकिन वृद्धि निरोधक क्या होता है? वृद्धि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वृद्धि नियंत्रक। अब आपका काम ये है कि आपको वृद्धि प्रवर्धक जो मैंने एग्जाम्पल बताया, वृद्धि निरोधक जो एग्जाम्पल बताया, दोनों का एग्जाम्पल आपको नाम उसका कमेंट करके लिखना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और याददाश्त बढ़ती रहेगी, याद रहेगा, आपको बार बार उसको याद नहीं करना पड़ेगा। जो जो मैं आपसे पूछती चल रहा, मैं सॉफ्टली उसका आंसर करते चलिए, देखना एग्जाम में कितनी हेल्प होगी आपकी। बस आपको जो मैं बोल रही हूँ सारी स्टेप को फॉलो करते रहना। ओके बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमें सेकेंड वाला जो हार्मोन है वो पढ़ना है। सेकेंड हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन। ये जो हार्मोन है, इसकी खोज सबसे पहले किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? फर्मोसा में। फर्मोसा क्या है? एक आइलैंड कंट्री, एक महाद्वीपीय देश है। वहाँ पर ये जो प्रशांत महासागर है, वहाँ पर ये स्थित है। तो वहाँ पर ये फर्मोसा आइलैंड है, वहाँ पर इसकी खोज की गई थी। किसके द्वारा? याबुता और हयाशी, दो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई। तो ये खोज हुई किससे? अब देखो क्या होता है। हाँ देखिए, यह पौधे के ऊपरी सिरों व भ्रूण में बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? पौधों का ऊपरी सतह, उस वहाँ, और जो पौधे का भ्रूण होता है उसमें ये बनता है। कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन नाम का हार्मोन। सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो पौधे के सारे भाग होते हैं उसमें क्या होता है, सारी चीज़ों को ये नियंत्रित करने का काम करता है। कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। खोज कहाँ पर हुई थी? याबुता और हयाशी के द्वारा फर्मोसा पे इसकी खोज की गई थी। फर्मोसा नाम का एक महाद्वीप है, प्रशांत महासागर में स्थित है, वहाँ पर इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अब इसके मुख्य कार्य हम पढ़ लेते हैं। ये कार्य क्या करता है? तो पहला लिखिएगा, पुष्पन की क्रिया शीघ्र कराई जाती है। मतलब क्या हुआ इसका? कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जिसमें क्या होता है कि जो पुष्पन क्रिया होती है बहुत बहुत लंबे समय के बाद होती है। आपके लिए मैं एग्जांपल एक बताती हूँ। एक है जिसको हम कहते हैं, एक बैगनी कलर का फूल होता है, वो हमारे दक्षिण भारत में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर होता है। 12 सालों में उसका नाम क्या है, फूल का नाम? नीलकुरुंजी फूल। क्या नाम है उसका? नीलकुरुंजी। यहाँ पर लिख दूँ, आपके लिए ज़रूरी नहीं लेकिन एक GS जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। नीलकुरुंजी फूल है, कहाँ पर होता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर होता है? नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। प्रत्येक हर 12 साल में फूल खिलता है। कितने सालों में? 12 सालों में फूल खिलता है, और कई बार तो 16 साल हो जाते हैं इसको, तभी जाके फूल इसका खिलता है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा। तो ये जो, जैसे मान लो इसमें पुष्पन की क्रिया कब हो रही है? हर 12 साल बाद, या 12 हो जा रहा है, फिर 13, 14, 15 साल भी हो जा रहे हैं उसके बाद ये क्या हो रहा है, फूल इसमें आ रहे हैं। तो अगर हम क्या करें, ऐसा होता नहीं है पर एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर हम क्या कर दें, इसके ऊपर इसका छिड़काव कर दें, किस हार्मोन का? जिब्रेलिन का। तो क्या हो जाएगा? पुष्पन की क्रिया शीघ्र हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलो दूसरा लिखिएगा, कार्य इसका क्या होता है? मटर, सेम, टमाटर, इन सभी में क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी कर दी जाती हैं। मतलब इसका उपयोग अगर हम कर दें, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ ऐसे टमाटर होंगे जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, तो उसमें इन सभी हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तीसरा कार्य लिखिएगा, बिना निषेचन के बीज रहित फलों के निर्माण में इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। क्या होता है? निषेचन की, जैसे क्या, कोई चीज़ उत्पन्न कैसे होगा जब निषेचन कराया जाएगा मेल और फीमेल में। लेकिन इसमें ये क्या होता है, अगर हम इस हार्मोन का उपयोग करते हैं तो ये जो हार्मोन है वो बिना निषेचन की क्रिया के ही बीज रहित फलों का निर्माण कर देता है। मतलब उसमें बीज की भी आवश्यकता नहीं है, बिना बीज के ही फल जो है इसका निर्माण हो जाता है। कौन से हार्मोन का उपयोग करके? जिब्रेलिन नाम का हार्मोन का उपयोग करके। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, तीसरा वाला हार्मोन। तीसरा नाम क्या है इसका? तीसरे का नाम क्या है? साइटोकाइनिन। ये हार्मोन, इसको किससे प्राप्त किया गया था? ईस्ट से इसको प्राप्त किया गया था। ईस्ट एक, आप जानते ही होगे ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट में ये सर्वप्रथम ईस्ट से प्राप्त किया गया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे हम लोग विकसित हो रहे हैं, विकास की क्रिया को आगे बढ़ाते चल रहे हैं, तो बाद में धीरे धीरे इसको नारियल के जो फल होते हैं या फिर उनका, उससे भी प्राप्त किया गया था।
ठीक है। तो सर्वप्रथम इसको किससे मिला था, ईस्ट से खोजा गया था, ईस्ट से मिला था ये, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो इसको नारियल से भी खोजा गया। अब इसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन की गति को तेज कर देता है। कोशिका विभाजन, जैसे कोशिका है तो उसकी गति विभाजित तो होगी अपने नॉर्मली जैसे नॉर्मल होता है, लेकिन उसकी क्रिया को अगर हम बढ़ाना चाहें तो किस हार्मोन का उपयोग करेंगे बच्चों, साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन का उपयोग करेंगे। किसमें, हम लोगों के लिए नहीं है ये पौधों के लिए है, ठीक है, नहीं तो समझो ये हमारे लिए है। चलो दूसरा देखो, इससे जीर्णता को रोका जा सकता है। क्या होता है बच्चों, जीर्णता को रोका जा सकता है। तो जीर्णता क्या होती है, देखो जीर्णता, यहाँ पे शब्द पर ध्यान देना, जीर्णता वो होती है जैसे मान लो जो एक उम्र के बाद जो है निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन पौधों में ये क्रिया जो है जीर्णता जो ये उसका गुण है इसको हम रोक सकते हैं, जिससे वो काफ़ी लंबे समय तक उसमें निषेचन वगैरह क्रिया हो सकती है। जिस वजह से किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं बच्चों, साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हार्मोन है, साइटोकाइनिन। तीसरा लिखेंगे, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित कर देता है। अब कई बार आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, तो उसमें एक बहुत ही उनका स्ट्रक्चर अच्छा लगता है देखने में, हर बहुत लगभग ऐसे आपने देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे विशालकाय पेड़ होंगे जिनका स्ट्रक्चर ही हमें भद्दा लगता है देखने में ही, तो ये जो उनका अंग है वो विकसित हो जाता है, तो एक डिसऑर्डर होता है उनके अंदर, क्या होगा कि हार्मोन साइटोकाइनिन वो जो है कम हो जाएगा, तो इस क्या होगा कि वो इस नियंत्रण को रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा तो उनका जो आकार है वो विशाल का भद्दा तरीके का दिखने लगेगा। जैसे कुछ आपने मनुष्यों में ही देखा होगा, कुछ लोग इतने लंबे होते हैं कि उनके पर्सनालिटी देख के हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है ना, थोड़ा सा भद्दे लगते हैं, या फिर बहुत सारे छोटे हो जाते हैं, तो इसकी ये सब किस वजह से होता है, हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। और जैसे इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, अब अगर साइटोकाइनिन की कमी हो जाए तो क्या होगा, पेड़ पौधे जो है उनका आकार बहुत बेकार टाइप का हो जाएगा, लेकिन उसमें नियंत्रण में रहता है तो उनका एक शेप बन जाता है, हमें देखने में अच्छा लगता है, तो इस सभी वजह से ये होता है। कौन सा हार्मोन है ये, साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन। चलो साइटोकाइनिन हमने पढ़ लिया, दो तीन हार्मोन और बच गए हैं बच्चों, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर हम जो है ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर करना, तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।